हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ ये ब्लू कट क्रीज आई मेकअप ट्यूटोरियल, जो कि बहुत सिंपल है और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है ये। तो अगर आपको देखना हो कि मैंने इस लुक को कैसे अचीव किया है तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो आई शेडो पैलेट के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है आई गुड को आई शेडो पैलेट, उसमें से ये मैंने डार्क ब्राउन आई शेडो को यूज़ किया है अपने क्रीज लाइन पे। तो इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ एक पेंसिल ब्रश के हेल्प से। तो यहाँ पे हम सिर्फ आई शेडो को अप्लाई कर रहे हैं, इसके बाद में हम इसकी ब्लेंडिंग करेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको अप्लाई कर लिया है अपने आउटर कॉर्नर पर और अपने क्रीज लाइन पर सिर्फ अप्लाई किया है। उसके बाद मैं अपने आई शेडो को थोड़ा और डार्क करूँगी। फिर अब मैंने ये लाइट ब्राउन शेड को लिया है और यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करने के बाद इसको इसके हेल्प से अच्छे से मैं ब्लेंड कर दूँगी अपने आई शेडो को। ब्लेंडिंग करते समय हमें हमें काफ़ी सॉफ्ट हैंड से आई शेडो को ब्लेंड करना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने NYB का कंसीलर यूज़ किया है और यहाँ पे मैं एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से अपने कट क्रीज को इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक राउंड कट क्रीज नहीं ड्रॉ करूँगी आज के वीडियो में, यहाँ पे मैं इस तरीके से अपने आईलिड्स को अच्छे से क्लीन कर दूँगी और यहाँ पर अच्छे से थोड़ा क्लीन कर दूँगी अपने क्रीज को अच्छे से। फिर उसके बाद उस पैलेट में से ये मैंने ब्लू शेड को यूज़ किया है और इसको मैं अपने आउटर कॉर्नर पे इस तरीके से अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे पहले डार्क कलर, उसके बाद नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे थोड़ा इससे लाइट कलर, फिर उसके बाद थोड़ा लाइट कलर, ऐसे हम आज के वीडियो में अप्लाई करेंगे आई शेडो। अब फिर उसके बाद मैं थोड़ा इसको और डार्क करूँगी। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा आई शेडो को बिल्डअप किया है और फिर उसके बाद ये सी ग्रीन आई शेडो को यूज़ कर अप करूँगी मैं और इसको मैं अपने सेंटर आईलिड पे अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे मैं एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ और दोनों आई शेडो को आपस में अच्छे से मैं मर्ज भी कर दूँगी। उसके बाद उसी पैलेट में से मैंने वाइट आई शेडो को यूज़ किया है और इसको मैं अपने इनर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी सेम ब्रश के हेल्प से और सारे शेड को अच्छे से आपस में ब्लेंड कर दूँगी ताकि कोई अलग अलग ना दिखे आई शेडो। उसके बाद यहाँ पर मैंने सिल्वर ग्लिटर आईलाइनर यूज़ करके इसके ऊपर यहाँ पे आईलाइनर ड्रॉ कर दूँगी इस तरीके से ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक दिखे। हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुडा ब्यूटी का ड्यूप हाइलाइटर और यहाँ पे मैं इनर कॉर्नर और अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट कर दूँगी अच्छे से। हाइलाइटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आई मेकअप में, जितना आप हाईलाइट करेंगे उतना आपका आई मेकअप अट्रैक्शन दिखता है, एनहेंस होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मेबलिन क्लोसल का ब्लैक जेट ब्लैक आईलाइनर। ये आईलाइनर काफ़ी जेट ब्लैक है और इजीली अप्लाई भी हो जाता है और मैंने इनर कॉर्नर पे इस तरीके से इनर भी बना दिया था। और अब मैंने वेट एंड वाइल्ड का ये वाइट वाइट काजल यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने वाटर लाइन पर क्योंकि ये काफ़ी क्रीम हाईलाइट काजल है। तो इसके ऊपर मैं ब्लू शेड को अप्लाई करूँगी। अगर आपकी आईज़ वाटरी है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, यहाँ पे आप ब्लैक काजल को भी यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने अपने आईलैश को अच्छे से कर्ल कर लिया है कलर के हेल्प से। फिर अब मैं यहाँ पे मेबलिन का लेस सेंसुलर मस्कारा यूज़ कर रही हूँ अपने अपर लैश पे, लोअर लैश पे मस्कारे की अच्छे से कोटिंग कर दूँगी मैं। और लोअर लैश लाइन पे आपको अच्छे से अच्छे से मस्कारे यूज़ करना है। आती है फॉल्स आईलैश की, तो यहाँ पे मैं फॉल्स आईलैश अप्लाई करूँगी। तो फॉल्स आईलैश का डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया है तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लो। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और हेल्पफुल भी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।